सेमीफाइनल में आप इंडिया के साथ और किन टीमों को देख रहे हैं? इंडिया के साथ पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। फिर पाकिस्तान? हाँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएगा ना। कैसे जाएगा? कृष्णे के साथ। के जज्बात ब्लास्ट हो गए हैं, पिछवाड़ा फाड़ के रख दिया इंडिया ने आपकी टीम का। आपका कैप्टन देखे पॉपर, देखे वो चार पांच मैचेस में 100 मिनट आते हैं, वो जो कल उसने 50 मारी है, उस वजह से 50 को हम मुंह भी नहीं लगाते। इंडिया में अगर रोहित शर्मा एक वाहिद ऐसे कैप्टन नजर आ रहे हैं जो इस वर्ल्ड कप में छाए हुए हैं, और बल्कि अगर देखा जाए ओवरऑल तमाम टीम्स में, तो मुझे लगता है कि तमाम टीम्स के अंदर भी सबसे बेहतरीन और नुमाया नजर आने वाले बल्लेबाज कैप्टन जो है वो इस टाइम रोहित शर्मा ही है। ब्लैकलिस्ट कर दो पाकिस्तान से, रिपोर्ट कर दो, टांगे काट के भेज दो, हमें भेज दो यहाँ से इंडिया, बस हम यही चाहते हैं। इसके आगे से आगे हमारी कोई बात नहीं है। इंडिया जाना चाहते हैं क्यों? हमारी टीम के प्लेयर्स की गैरत मर चुकी है, वैसे भाई की मर चुकी है। आज का मैच मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मुताबिक मैच नहीं था, आज का मैच पाकिस्तान टीम के लिए मैसेज था, टीम इंडिया की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, ठीक है। क्यों? उन्होंने कहा कि आप 270 वनडे में दे के उसको डिफेंड नहीं कर सकते, ठीक है, हम 230 दे के डिफेंड कर जाते हैं भाई, और डिफेंड भी ऐसा करते हैं कि हिस्ट्री में माना जाता है उस चीज़ को, ठीक है। उन्होंने आज दिखाया कि अगर किंग कोहली ना चलता तो बाकी इंडिया की टीम है। आपकी बाबर इतनी काट डाउन आ गई है कि अब विराट कोहली को सर कहते हो, सर कहो, वो तुम्हारा सीनियर बन चुका है, तुम्हें शर्म आती नहीं, हमारा मुंह काला करवाती हो दोस्तियों की वजह से, ये अपनी दोस्तियां स्टेडियम में ना लाया करो, घर छोड़ के आया करो, मैं ये तुम्हें इतनी दफा कह दिया है, घर छोड़ के आया करो। मोहम्मद शामी ने क्या, शामी इज द बेस्ट बॉलर पाकिस्तान को कहा जाता था, आज मैं इंडिया की बॉलिंग को नंबर वन कह रहा हूँ, मोहम्मद शामी के आगे बॉलिंग एंड हो गया। हेलो दोस्तों, भारत की लगातार जीत पर पाकिस्तान में भी खुशी का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, 8 साल के एक बच्चे ने भारत विरोधियों को कस के आईना दिखाया है। उस बच्चे का कहना है भारत अपनी कड़ी मेहनत करके सारा मैच जीता है, उन्होंने जीतने के लिए अपना खून पसीना बहाया। इस बच्चे ने अपने कैप्टन बाबर आजम को गालियों से बिखेर के रख दिया। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, थैंक यू। क्या इंडिया कभी पाकिस्तान आके PSL खेला है? तो वो नहीं खेला, नहीं खेला ना, नहीं खेला। एक मिनट, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनका होम ग्राउंड, छोटी सी बात, जी जी बताएं बताएं। साउथ अफ्रीका की टीम में से कितने प्लेयर्स आके इंडिया IPL खेले हैं? कितने प्लेयर्स हैं? कितने प्लेयर्स हैं? चार उनकी टीम में, चार प्लेयर्स। हाँ, चार प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो चार खेलते हैं ना उनके यहाँ जाके, चार खेल, सुने, चार खेलते हैं, चार खेलते हैं, चार का सरा सात पे चढ़ गया। क्या कह रहे हैं? इंडिया वाले पाकिस्तान में आके नहीं खेलते ना? हाँ, वो नहीं खेलते, वो कहते हैं हमें सेफ्टी नहीं है। तो वो क्यों, उनको सेफ्टी में नहीं, कौन कहता सेफ्टी नहीं, इनको ज्यादा वो क्या कहते हैं सारे वजीर आजम से ज्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, ये कहते हैं कि भाई इनको सिक्योरिटी नहीं मिलती, कौन कहता नहीं मिलती, उन्होंने अपनी मर्जी, इधर जो एशिया कप पाकिस्तान में आना था उन्होंने श्रीलंका में मैच खिलाया, क्यों खिलाया इन्होंने? आपका मुल्क का वजीर आजम कौन है? इस बार सभी वजीर आजम है हमारे मुल्क के। कौन पागल आया आपके मुल्क में? आपके मुल्क से 7 लाख इसके क्रिकेट के साथ इसका सवाल नहीं है ये। अच्छा, क्या आप इस बात से खुश नहीं है कि इंडिया आज सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया है? वो तो शुरू से ही कर गया, जब उन्होंने टूर्नामेंट कराया वो तब का ही कर गया। अच्छा। जब उन्होंने पाकिस्तान, ये श्रीलंका में मैच होना था, उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान में नहीं खेले, श्रीलंका में, इन्होंने क्यों टीम भेजी तो पाकिस्तान में खेलने के लिए? ये भी ना भेजते ना, क्यों नहीं भेजे, ये भी ना भेजते, ये कहते हमने नहीं भेजनी। असल दुख इस बात का कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, ये यही बात है ना, अगर इधर आता इनको अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है, एक वजीर आजम से प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इनको प्रोटोकॉल मिलता है। आप मुझे छोटे से भागा दो, जो आपने कहा जी के वो इधर नहीं आए, किस मुंह से हैं? किस मुंह से हैं? किस मुंह से नहीं आए? आपने दूसरी बात की है कि ये लोग क्यों गए उधर खेलने, आपको अपने आपके कारोबार में कहीं से बेनिफिट नजर आ रहा है? मैं आप कह रहा हूँ, मैं आपको इतने पैसे, तो आप ये कारोबार यहाँ शिफ्ट, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, उन्होंने पैसे दिए तब ये गए, ये पैसे लेने गए, आपकी टीम बस इंडिया पैसे कमाने गए, इसके अलावा कुछ नहीं करने गए, इसी लेके गए हैं, टीम कब गई है? ये खेलने के पैसे मिलते हैं ना, मुल्क के लिए खेलने गए, वो तो पैसे मिलते हैं, उनको पैसे नहीं मिलते, उनको पैसे नहीं मिलते, वो जारी बात है, अगर पैसे कमाते हैं तो मेहनत करके जाते हैं ना, वो लोग क्या मेहनत नहीं करते, क्या मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की? 191 भी आउट, ठीक है 270 भी आउट, 270 कर लिया तो डिफेंड नहीं कर सकते, ऊपर नीचे होते हैं, हमारे पास बस यही नेम है, क्रिकेट है भाई, चांस है भाई जान, हमें नहीं होता पाकिस्तान के साथ, कोई एक आधा मैच होता है कि मैं कोई गैरत की गोली खिला दो इनको, साथ में स्कोर का छिलका भी खिला दो, जितना कोई वर्ल्ड कप में खेल रहा है इंडिया ने, उसने सारे मैचेस जीते, एक भी
नहीं हारा। कौन? इंडिया, इंडिया। उनको जिताए गए हैं यार, आपको नहीं पता? नहीं भाई जीते, अपनी मेहनत से जिताए गए हैं, अपनी मेहनत से जीते। सही कह रहे हैं, इंडिया अपनी मेहनत से जीते हैं। एक भाई है, उन्होंने अपना खून पसीना एक भाई, और हमारे लुच्ची टीम को देख ले कैसे बैठी हुई है, जो जो पक्षी है, दिल करता उसका मुंह और मेरे हाथ घिसना चाह रहे हो। कैसे? इस तरह उसके मुंह पे बने मेरे हाथ पर। जी सबको जी का नाम पता ही होगा, छोटा बच्चा है लेकिन उसने बात बिल्कुल ठीक की है। जज्बात, जज्बात है बच्चे के, ये नहीं है कबानी है, उसके जज्बात है वो ठीक है। पाकिस्तान के सब, पाकिस्तान के जज्बात है, ये तो नहीं उन्हें हो गए, आपके जज्बात ब्लास्ट हो गए, पिछवाड़ा फाड़ के रख दिया इंडिया ने आपकी टीम का। आपका कैप्टन देखे बाबर, देखे वो चार पांच मैच में सौ में आता है, वो जो कल उसने 50 मारी, उस 85 50 को हम मुंह भी नहीं लगाते, मुंह वाकई मुंह नहीं लगाते हम उस 85 को, नहीं लगाते। हमारा प्लेयर है, उसको चाहिए मुझसे आके कैप्टनी ले ले, मैं उसको एक मैच में 100 करवा दूंगा, वो तो चार पांच में करता है, मुझसे ज्यादा पैसे देते हैं, इसी से ज्यादा पैसे। अब आपके पास कोई जवाब है तो बताए। नहीं बच्चे अच्छा बाल है, वो जज्बात के बच्चों के जज्बात के साथ खेले, ये भी बच्चे हैं ना। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, बच्चे को दुख हो रहा है भाई, बच्चे को दुख हो रहा है, बच्चे को तकलीफ हो रही है कि हमारी टीम हार के आ रही है। आपको तकलीफ नहीं? देखिए हम तो इस चीजों को समझ गए, हमारी चीजों को समझ गए, हमें पता है भाई। एक मिनट, पहले बात सुनो, पहले बात सुनो, पहले बात सुनो, एक जैसे जैसे हमारी टीम के प्लेयर्स की गैरत मर चुकी है, वैसे भाई की मर चुकी है। वो कैसे भाई यार, तुम पाकिस्तानी नहीं हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा पाकिस्तानी, हम तो पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे यार, हम वतन है, हम टीम से मोहब्बत में रहते हैं। चलो यार आप सवाल करो, ये भाई पिछवाड़ा दिखा के भाग चुका है, ये भाई पिछवाड़ा दिखा के भागा, जैसे बाबर पिछवाड़ा दिखा के भाग गया ना, तो पिछवाड़ा फाड़ दिया इंडिया वालों ने बाबर का। हाँ तो भाई मैं शुएब अखरोट भाई से पूछता हूँ, आपकी कौन सी जगह सूझ रही है अभी? आज आपने प्रिडिक्शन किया था कि इंडिया लूज करेगा ये मैच आज, और इंग्लैंड जीतेगा, इंग्लैंड पेंठा मारेगा जो है हिंदुस्तान को, राज हिंदुस्तान, ये मैच हारना है, और आपने जो है वो एक घंटे का वीडियो बना दिया। जब दुनिया के सबसे घटिया बॉलर तू है भाई, थ्रू फेंकने वाला बॉलर तू, थ्रू बॉलर था तू भाई, और तू जो है धरती पे बोझ है, अबे जाके कोई कबाड़ वबाड़ का काम कर ले यार, को मोची वोची बन जा, चप्पल वप्पल पतलूने पजामे सिलाई कर भाई, तेरे को क्रिकेट से क्या लेना देना, पाकिस्तान में तो तेरा कोई सुनता नहीं है, और तू इतना बड़ा बॉलर होता, तू थ्रू बॉलर नहीं होता, तू पेंकू बॉलर नहीं होता, तू आज तू किसी टीम का कोच होता, तुझसे तो पाकिस्तान वाले मशवरा नहीं करते हैं, और तू हिंदुस्तान की टीम पे बात करता है, तो अभी कैसा लग रहा है जनाब, आपकी सूझ रही है? अगर सूझ रही है तो जी न्यूज वालों को बोल दो भाई, चेक तो वैसे भी ज्यादा देते हैं, एक आध बर्नोल भी दे देंगे। इंडिया में अगर रोहित शर्मा एक वाहिद ऐसे कैप्टन नजर आ रहे हैं जो इस वर्ल्ड कप में छाए हुए हैं, और बल्कि अगर देखा जाए ओवरऑल तमाम टीम्स में, तो मुझे लगता है कि तमाम टीम्स के अंदर भी सबसे बेहतरीन और नुमाया नजर आने वाले बल्लेबाज कैप्टन जो है वो इस टाइम रोहित शर्मा ही है। इतने भी मैचेस हुए हैं, आप उनमें उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए आप ये अपने माइंड में ये चीज बिठा लें कि जनाब आगे फाइनल और सेमीफाइनल में सेम यही पोजीशन होने वाली है।